नमस्कार दोस्तों, आज इस नए वीडियो में हम जितने सारे चोकर देख रहे हैं डिस्प्ले में, हम वो चोकर कैसे 10 मिनट के अंदर बनाया जाए उसका प्रोसेस बताने वाले हैं। तो वीडियो में बने रहिए और सीखते रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में पहले ही हम देख लेंगे कि चोकर बनाने के लिए जो जो सामान, जो जो चीजें चाहिए, वो पहले से हम बना के तैयार करके रखे हुए हैं। मैं पूरा पेज को जूम करके बता देता हूँ इस पे क्या क्या चीजें हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये है चोकर का बेस जिसमें हम चोकर ड्रॉ करेंगे। ये कर्व लिया हुआ है, इसको फ्लिप कर लेते हैं। अभी दोनों को ज्वाइन कर लेते हैं। ज्वाइन करने के बाद सिलेक्शन टूल लेके हम इसको थोड़ा थिक कर देंगे, थोड़ा मोटा कर देंगे और फिर इसको ट्रिम कर लेंगे। दोनों को आधा आधा हिस्से में बांट लेंगे। ये डिज़ाइन के हिसाब से रिक्वायरमेंट है, आपके डिज़ाइन का जो रिक्वायरमेंट रहेगा आप वैसा बना सकते हैं। अभी मैंने दोनों को अलग अलग कर लिया ब्रेक अपार्ट करके। अब दोनों हिस्से में अलग अलग फिलिग्री या कोई भी गोल्ड का काम हम दे सकते, डाल सकते अपने हिसाब से। मैंने पहले तो ये डिज़ाइन करके रखा था, तो इसको मैं थोड़ा एडजस्ट करके इसके अकॉर्डिंग इंटरसेक्ट लेके काट लेंगे। फिर इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको हटा देते हैं, डिलीट कर देते और बाकी का हिस्सा हम इक्का या फिलिग्री का रखेंगे। ये हिस्से को पकड़ के इसका भी इंटरसेक्ट ले लेते हैं और इसको भी कर देते हैं डिलीट। अब दोनों हिस्सा हमको मिल गया। ये आउटलाइन बॉर्डर को थोड़ा मोटा कर लेते हैं, इसको भी वही कर लेते हैं। आपको अगर बेसिक्स पता होगा तो ये सारी प्रोसेस पता होगा ये मैं कैसे कर रहा हूँ। अगर नहीं पता होगा तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। ये दोनों को मैंने ग्रुप कर लिया और फिर आर्टिस्टिक मीडिया में सेव कर लिया। आर्टिस्टिक मीडिया में सेव करने के बाद ये जो लाइन मैंने पहले से ड्रॉ किया हुआ है, ये लाइन को विड्थ दे दूंगा 45। सॉरी 40। उसके बाद ब्रेक अपार्ट कर देंगे। देखिए ये चोकर का कितना अच्छा शेप आ गया। अब मैन्युअली इसको तैयार करने जाएंगे तो कितनी तकलीफें झेलनी पड़ेगी शायद। और इसके बाद देखिए इसको, ये जो और कंपोनेंट और मोटिफ है, इसको भी मैं कैसे इस्तेमाल करता हूँ, कैसे यहाँ पे लगाता हूँ, ये भी देख लीजिए। इसको भी मैंने आर्टिस्टिक मीडिया में सेव कर रहा हूँ। सेव कर लिया। अभी इसका विथ कॉपी किया, ये सेंटराइज्ड कर दिया पहले। बाकी का हिस्सा आर्टिस्टिक मीडिया टूल की मदद से मैं अप्लाई कर दूंगा यहाँ पे। अभी आर्टिस्टिक मीडिया में मैं विड्थ को पेस्ट कर रहा हूँ और ये चेन मेरा तैयार, मतलब निचला हिस्सा तैयार। अभी ये लाइन की जरूरत नहीं है, हम इसको फ्लिप कर लेते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं डिजाइन के हिसाब से, ग्रुप करके सेंटराइज कर लेते हैं। ये कोई फास्ट फॉरवर्ड किया हुआ वीडियो नहीं है, ओरिजिनल टाइमिंग वीडियो है। तो आप देख सकते हैं ये ऑन टाइम 10 मिनट के अंदर ये चोकर बनके रेडी हो जाएगा। ये पेंडेंट मैंने तैयार किया हुआ था पहले ही, इसको भी सेंटर पे ला लिया और फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं एक लाइन ड्रॉ किया हुआ है। वही लाइन को हम आर्टिस्टिक मीडिया में तब्दील करेंगे। पहले इसको आर्टिस्टिक मीडिया में सेव कर लेते हैं। फिर इसको तब्दील करते हैं आर्टिस्टिक मीडिया में विथ को कॉपी देकर। आप चाहे तो मैन्युअली भी इसको यहाँ पे लगा सकते, उसमें टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा
और ज़्यादा अच्छा प्रोस्पेक्टिव व्यू भी नहीं आ सकता शायद। इसको भी फ्लिप कर लेते हैं और यहाँ पे बिठा देते हैं। इसके बाद बच जाता है ऊपर का हिस्सा, वो भी मैंने तैयार किया हुआ है। अभी इसको एडजस्ट करने के बाद इसको भी आर्टिस्टिक मीडिया में सेव कर लेंगे। और सेव करने के बाद इसको भी विथ को कॉपी करके पेस्ट करके इसका ऊपरी हिस्सा बना लेंगे और ब्रेक अपार्ट कर लेंगे। लगभग आप जानते हैं कि डिज़ाइन कैसे बनाया जाता है कोलेट्रो में। अगर आपने मेरी पिछली कोई भी वीडियोस देखी होंगी तो ये प्रोसेस आपको याद होगा। इसके बाद मैं पल या मोती लगा देता हूँ नीचे, ये भी बनाया हुआ है, प्री क्रिएटेड मोटिव है। और ये कैसे बनाते हैं अगर ये जानना चाहते हैं तो आप मेरे एसेट्स वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैं डिटेल्स में बताया हुआ है कि चीज़ें कैसे बनाई जाती है। देखिए ये बन के रेडी हो गया चोकर। इसका और एक वर्जन है, ये ऊपर का हिस्सा खाली नीचे की तरफ दिया हुआ है, आप देख सकते हैं इसको। तो चलिए इसका शैडो नहीं दिया हुआ है, इसका शैडो देके कंप्लीट कर देते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आप पहली बार हमारे चैनल में आया है तो। और किस तरह का वीडियो देखना चाहते हैं वो भी आप कमेंट सेक्शन पे बता सकते हैं, क्या सीखना चाहते हैं वो भी बता सकते हैं। मैं इसके साथ और सारी चोकर कैसे बना और वो कैसा लग रहा है वो भी आप देख सकते हैं। कुछ दिनों से मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब थी तो मैंने वीडियोस नहीं बनाया, उसके लिए सॉरी। अभी लगातार वीडियो आते रहेंगे। मेरे साथ बने रहने के लिए आप लोगों को शुक्रिया। बहुत ही जल्द हम नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक देखते रहिए, सीखते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियोस।